कहानी एक नसीहत। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर एक कहानी एक नसीहत। संजय के परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। संजय को लंबे समय से हार्ट से जुड़ी बीमारी थी। पॉलिसी लेने के एक साल बाद ही इस बीमारी ने संजय की जान ले ली। अब परिजन इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम के लिए पहुंचे तो उन्हें ये कहकर लौटा दिया गया कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में संजय ने मौजूदा बीमारी की जानकारी नहीं दी थी। संजय ने भी वही गलती की जो सैकड़ों लोग करते हैं, सब कुछ एजेंट के भरोसे छोड़ दिया। अपने रिश्ते के बीमा एजेंट के कहने पर बीमा कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े ही साइन कर दिया। कोई बीमा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच बीमा का एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है, जिसमें नियम और शर्तें लिखी होती हैं। अलग अलग कंपनियों और बीमा पॉलिसीज के नियम और शर्तें अलग अलग हो सकती हैं। बीमा से जुड़ी कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन्हें हम पढ़ते नहीं हैं या समझ नहीं पाते और संजय के परिवार की जैसी मुसीबत में फंस जाते हैं। आप संजय जैसी गलती ना करें, इसलिए सुनिए एक कहानी एक नसीहत। पॉलिसी लेते समय अपनी मेडिकल हिस्ट्री जरूर मेंशन करें और इसके लिए एजेंट के भरोसे ना बैठें। आपके द्वारा दी गई कोई गलत जानकारी आपकी पॉलिसी को रद्द करवा सकती है। टैक्स और निवेश सलाहकार बलवंत जैन कहते हैं कि बीमा ग्राहकों को सिर्फ पुरानी बीमारी ही नहीं बल्कि अपनी धूम्रपान जैसी आदतों की जानकारी भी पॉलिसी लेते वक्त समय से देनी चाहिए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक डेथ बेनिफिट सेक्शन होता है, इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर किन किन परिस्थितियों में डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, इसकी जानकारी यहाँ होती है। अधिकांश पॉलिसीज में एक तय अवधि के भीतर अगर आत्महत्या से मृत्यु हो तो डेथ बेनिफिट नहीं मिलता। अवैध और आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के चलते अगर बीमित व्यक्ति की मौत हुई है तो भी अधिकांश पॉलिसीज में डेथ बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा कई पॉलिसीज बच्चे के जन्म के दौरान मां की मृत्यु हो जाने की स्थिति में बीमा कवरेज नहीं देती हैं। कुछ कंपनियां निजी हवाई यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना में मृत्यु पर भी कवर नहीं देती हैं। नशीले पदार्थों का सेवन कर गाड़ी चलाना, तेज गति से गाड़ी चलाना या बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने जैसे कारण भी एक्सीडेंट में हुए मृत्यु के बीमा कवर को रोक सकते हैं। यही नहीं, कई पॉलिसीज युद्ध के दौरान हुई मृत्यु पर भी बीमा कवरेज नहीं देती हैं। इसीलिए पॉलिसी लेते समय कॉन्ट्रैक्ट में देख लेना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें आपके बीमा कवर को रोक सकती हैं या सीमित कर सकती हैं। इस बारे में अपने एजेंट से बेझिझक सवाल करें और किसी की बातों में ना आए। टैक्स बेनिफिट्स, लॉक इन पीरियड और नॉमिनेशन जैसी जानकारी भी आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ही दर्ज होती है। ये सब जाने या पूछे, नहीं तो नुकसान में रहेंगे। सही सवाल पूछकर सही तरह से इंश्योरेंस खरीदिए और इसे सही तरीके से रखिए। आप सुन रहे थे रेडियो मनी 9 पर एक कहानी एक नसीहत। मैं हूँ दिव्या, नमस्कार। एक कहानी एक नसीहत।